आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवेन एज वाई इज इक्वल टू 2x - 9x² इफ इट वॉज लॉन्च एट एन एंगल थीटा नॉट विथ स्पीड वी नॉट। देन ऑप्शंस में थीटा नॉट और वी नॉट के वैल्यूज डिफरेंट वैल्यू दिए गए हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को पता करना है, करेक्ट जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हमें पता है कि जब प्रोटाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है स्पेशली ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का जो इक्वेशन है वो कुछ इसी टाइप का आता है ना, पैराबोला अपने डाउनवर्ड आता है ऐसा। इसका इक्वेशन आता है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आता है जिसमें यू जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स टेन थीटा नॉट माइनस जी का वैल्यू यहां पर 10 दिया गया है तो 10/2 हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यू के जगह पर वी नॉट दिया है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक, तो अगर जो इक्वेशन हमें दिया गया है यहां पर जो इक्वेशन दिया गया उसको कंपेयर करते हैं, इसे दिया गया है 2x - 9x² तो कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा नॉट जो है वो 2 के इक्वल हो गया है ना। तो एक यहां पर ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा है ना, तो ये अगर 2 ले लेता हूं मैं, ये 1 ले लेता हूं, ये थीटा नॉट है, तो अब टेन थीटा नॉट का वैल्यू 2/1 आएगा, यानी 2 आएगा, टेन थीटा नॉट 2 दिया तो ये 2 ये 1 और ये हाइपोटेनस √5 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से मैं कॉस थीटा नॉट भी निकाल सकता हूं 1/√5, साइन थीटा नॉट भी निकाल सकता हूं, ये आएगा 2/√5 है ना। तो यहां से जो है थीटा नॉट का वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स 1/√5 और यहां से थीटा नॉट आएगा साइन इनवर्स 2/√5। तो थीटा नॉट का वैल्यू ऐसे पता चल गया। अब हमें निकालना है वी नॉट, तो जो दूसरा वाला टर्म है इसको कंपेयर करेंगे, ये जो टर्म है वो 9 के इक्वल होना चाहिए है ना, तो हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। जैसे कॉस थीटा नॉट जो है 1/√5 है उसका स्क्वायर है वहां पर, तो ये 1/5 हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा 1/5 इज इक्वल टू 9, ये वाला टर्म इस 9 के इक्वल आना चाहिए है ना। तो इसको लिखेंगे 25/V02 इज इक्वल टू 9, तो वी नॉट जो है वो आ जाएगा 25/9 का रूट, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड है ना। तो वी नॉट तो एक ही आया है 5/3, थीटा नॉट के दो तरह के वैल्यूज हैं, तो हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर देखेंगे जो सी ऑप्शन है इसमें कॉस इनवर्स 1/√5 थीटा नॉट का वैल्यू दिया गया जो अपना भी आया है, और जो वी नॉट है 5/3 आया है तो ये भी आया है ना। वी नॉट 3/5 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, और आ गया ये और ये, तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू सही है, इसमें साइन थीटा का वैल्यू सही नहीं है। थीटा नॉट होना चाहिए था साइन इनवर्स 2/√5 तो सही होता, क्योंकि अपना आया है साइन इनवर्स 2/√5, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो थीटा नोट की वजह से गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन जो है वी नोट की वजह से गलत हो गए, तो केवल ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।